कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता को आज हम व्यक्त करें, मैं सांद्रता लिखता हूँ, सांद्रता को आप व्यक्त कर रहे हैं रासायनिक रूप से, राइट। सांद्रता तो आपको पता है कि हम सांद्रता जो है ग्राम प्रति लीटर में बात करते हैं, सांद्रता मतलब ग्राम प्रति लीटर। क्या दो चीजों पर फोकस होता है? यहाँ पर दो चीजें आपको दिख रही है, एक तो आयतन की चर्चा है और दूसरा है भार की चर्चा है, राइट। तो भार और आयतन के बारे में, दोनों के बारे में हमने बात की है यहाँ। अब जैसे हम ग्राम प्रति लीटर की बात करते हैं तो आप सबको पता है कि हम एक सॉल्यूशन बना लेते हैं, एक ब्लेंड बना लेते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि शक्कर या नमक जो है, शुद्ध नमक लेकर यहाँ डाल देते हैं और इसमें पानी मिला देते हैं और यहाँ पर जो मार्किंग है 1 लीटर की, वहां तक इसको नमक को इसमें डालकर, सॉल्ट को यहाँ डालकर उसमें पानी भर लेते हैं। ओवर लीटर की मार्किंग। तो यहाँ पर देखो पानी के भार के बारे में हमने कोई चर्चा नहीं की, केवल यहाँ दो चीजें दिख रही हैं। एक तो हमने नमक जो सॉल्ट लिया है उसके भार की बात कर रहे हैं, इसे आपको ग्राम में लिया है बेकर की। जैसे माना कि हमने यहाँ 50 ग्राम डाला तो 50 ग्राम नमक यहाँ डाल दिया है, ठीक है, और टोटल पानी मिलाकर टोटल वॉल्यूम यानी आयतन पूरे ब्लेंड का कितना कर दिया है 1 लीटर। तो 50 ग्राम नमक जो है, 50 ग्राम नमक कहाँ है 1 लीटर ब्लेंड में मौजूद, तो इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी 50 ग्राम प्रति लीटर। वैसे भी हम सांद्रता को जब व्यक्त करते हैं तो क्या बोलते हैं, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित ये प्रति लीटर भी कह सकते हो आप, प्रति लीटर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। तो किसी बिलियन के जो प्रति लीटर में उपस्थित होगा, ये प्रति लीटर, जैसे मान लीजिए अगर ये जो मेजरिंग सिलेंडर है 2 लीटर का होता तो हम क्या करते हैं, इसमें पानी और मिलाते जाते हैं और सॉल्यूशन को 2 लीटर कर, तो ये 2 लीटर में हो गई 50 ग्राम जो शक्कर है या सॉरी नमक है वो 2 लीटर में। तो 50 ग्राम दो प्रति 2 लीटर ना कहकर हम प्रति लीटर में व्यक्त करने की, प्रति लीटर का मतलब हुआ कि यहाँ पर 2 लीटर में कितनी है 50 ग्राम, 1 लीटर में कितना हो गया 25 ग्राम प्रति लीटर। तो ये सांद्रता इसकी आ जाती 25 ग्राम प्रति लीटर, ये तो आप जैसे जानते ही हैं। अब हम बात करते हैं सांद्रता को व्यक्त करने की रासायनिक विधियां, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मोलरता और मोललता, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, देखो यहाँ पर हमने किसको व्यक्त कर दिया, भार किसका है, पदार्थ का भार और ब्लेंड का है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, इससे आपको मोलरता को समझने में भी आसानी होगी, पदार्थ का भार और बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन और ये पदार्थ का भार। तो हमने क्या कहा कि सांद्रता को व्यक्त करना हमें क्या, पदार्थ का भार कहाँ मौजूद है, बिलियन के आयतन में, कितने आयतन में, प्रति लीटर आयतन में मौजूद, राइट। तो हमने यहाँ बात की है प्रति लीटर आयतन में।
अब सबसे पहले हमें मोलरता जाननी है, इसी को मोलरता में सांद्रता ही मोलरता में व्यक्त कर दें या फिर हम मोललता में व्यक्त कर। तो सबसे पहले मोलरता की बात है, ठीक है। तो जो परिभाषा हमने यहाँ लिखी, यहाँ मोलरता में केवल हम बात करते हैं इतना सा, वही सांद्रता किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाई, समझ गए, प्रति लीटर में उपस्थित। अब यहाँ क्या कह देंगे, अगर इसको बताना होगा तो हम बता देंगे मोल्स प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर हो जाए बस। तो पदार्थ का भार क्या कहाँ ले लेंगे हम, ये क्या हो गया पदार्थ का भार, और ये हो जाएगा आपका विलयन का आयतन। यानी बदलना क्या है, सांद्रता ही मोलरता है, लेकिन सांद्रता में हम जनरली भार की बात कर लेते थे, किसी पदार्थ का जो भार दिया है, राइट, तो वो सांद्रता हो गया प्रति लीटर में। पदार्थ का भार कहाँ उपस्थित है, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित है, तो वो सांद्रता हो गया। अब पदार्थ का मोल प्रति लीटर में उपस्थित है, अब मोल को कैसे आप समझेंगे, तो मोल को समझने के लिए आपको एक बात याद रखनी है, जैसे हम सबसे पहले जानना चाहते हैं मोल, ठीक, तो मोल क्या होता है, ये सबसे पहले आप समझिए कि मोल का मतलब, जैसे मैं कहूं कि एक दर्जन केले लेने हैं, अभी हम केले केजी में भी खरीदते हैं, दर्जन में भी खरीदते हैं, डजन समझते हैं ना, दर्जन, तो दर्जन एक बड़ी क्वांटिटी को बताता है, एक बड़ी नंबर को बताता है, एक दर्जन बड़ी नंबर को बताता है। जिस तरह से मैं यहाँ कहूँ कि मुझे एक दर्जन पेंसिल लेनी है या एक दर्जन केले लेने, राइट, तो एक दर्जन केले का मतलब है हमें टोटल 12 केले लेने, राइट। उसी तरह से अगर मैं ये कह दूं कि मुझे एक मोल की बात करनी है, तो मोल भी इसी तरह से एक बड़ी इकाई है मापने की, तो इसमें क्या है, एक मोल एक बड़ी संख्या को, राइट, तो अगर एक मोल ले लिया तो इसका मतलब है कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मोल कोई भी पदार्थ हम ले रहे हैं, ठीक है, तो पदार्थ में मैं यहाँ NaOH ले रहा हूं, ठीक है, तो ये इसमें कितने, एक मोल NaOH में कितना है, एक मोल पदार्थ का मतलब आप एक मोल अणु ले लीजिए, समझ गए, एक मोल कोई भी मॉलिक्यूल ले, एक मोल अणु, तो इसका एक मोल अणु में कितने अणु हो सकते हैं, ये एवोगैड्रोज ने बताया था, वो फिक्स है 6.022 × 10³ अणु। अब देखिए यहां पर अणु कहा, तो एक मोल, हम केले वेले की बात नहीं करेंगे, अब रासायनिक पदार्थों की बात करेंगे, तो एक मोल अगर हम NaOH लेते, NaOH अणु होते, ठीक है, तो हम कहते हैं 6.022 × 10³³ NaOH अणु, ठीक है, इसके अंदर है। लेकिन हम कहते कि उसे हमें भार में ही व्यक्त करना है, हम भार कैसे दिखाएं, ठीक है ना, हम भार कैसे दिखाएं, तो मोल को हम भार में व्यक्त कैसे करेंगे, जैसे कहा हमने एक मोल NaOH, इसका भार क्या है, तो एक मोल NaOH का भार है उसकी ग्राम परमाणु भार के, उसकी ग्राम अणु भार के बराबर, एक मोल NaOH, ठीक है, इसको कितने के बाद लिखेंगे, ग्राम अणु भार के बराबर, ग्राम अणु भार के बराबर। अब ग्राम अणु भार क्या होता है, तो इसे समझने के लिए, ग्राम अणु भार क्या होता है, इसे समझने के लिए हमको करना क्या है, ध्यान दीजिए, ग्राम अणु भार क्या होता है, इसे समझने के लिए हमें क्या करना है, सबके परमाणु भार लेना,
और सबके परमाणु भार को अगर हम ग्राम में व्यक्त कर देंगे, ग्राम में प्रदर्शित कर देंगे, तो ग्राम परमाणु भार हो जाए। और सारे परमाणु भार को जोड़कर हम एक अणु का भार निकाल लेंगे। जैसे यहां से समझ लीजिए, सबके पहले आपको हाइड्रोजन की जरूरत, तो उसका परमाणु भार कितना होता है? एक एटॉमिक मास यूनिट, AMU। लेकिन ग्राम परमाणु भार की बात करेंगे तो 1 ग्राम। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद कार्बन ले लीजिए, 12। हाइड्रोजन कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद कोई भी ले लो, अभी जो जो जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है उनकी बात कर रहे हैं, 23। पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, ठीक है, उसके अलावा क्लोरीन ले लो 35.5 एंड ब्रोमीन 80 अप्रोक्सीमेट। इनकी हमको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली। जैसे उसने कहा कि 1 मोल NaOH, तो NaOH का ग्राम अणु भार हमें पता होता है, हम आराम से बता देते। तो NaOH का ग्राम अणु भार कैसे निकालेंगे? उसके जितने भी परमाणु भार हैं उनको ग्राम परमाणु भार को जोड़ देंगे। तो ये NaOH का कहां है ये देख लीजिए, आपको कहां कहां जरूरत आपको पड़ने। 23 प्लस 16 प्लस 1 दैट इज 40। 40 आ गया NaOH का ग्राम अणु भार, कितना आ गया 40। तो हम यहां कह देंगे 1 मोल NaOH, मतलब अगर भार में उसको बता दें तो 1 मोल NaOH का यहां मतलब हो गया 40 ग्राम NaOH। ये भार की बात है, जरूरी नहीं है कि हमें 1 मोल NaOH ही पूछा, कोई भी वो पूछ ले। जैसे 1 मोल HCl पूछता है तो हम आराम से बता देते हैं, HCl में हमें कौन कौन सी, एक H और दूसरा Cl। तो 1 प्लस 35.5 दैट इज 36.5 ग्राम, ये 1 मोल हो गया। अब जनरली हमसे कहता, अगर सांद्रता में वो कहता, हमारे लिए सांद्रता दी जाती, ध्यान से सुनिएगा, और सांद्रता दी जाती है, और सांद्रता में हमसे बोला जाता कि हमें 40 ग्राम NaOH प्रति लीटर में उपस्थित है और आप इसको मोलरता में बता दीजिए, मोलर सांद्रता कैसे दिखाएंगे? तो मोलर सांद्रता में कोई फर्क थोड़ी है, 40 ग्राम NaOH को आप मोल में कन्वर्ट कीजिए पहले, ठीक है, 40 ग्राम NaOH को मोल में, तो ये कितने मोल है? 1 मोल, तो 1 मोल प्रति लीटर। अब ये क्या आ गई, अभी ऊपर क्या थी? सांद्रता, सामान्य सांद्रता, कंसंट्रेशन की बात कर ली थी, वो क्या थी? 40 ग्राम NaOH पर लीटर, राइट। और ये जो बात की है हमने, 1 मोल प्रति लीटर, 1 मोल प्रति लीटर, हमेशा याद रखेंगे कि ये तो मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसकी इकाई क्या थी? ग्राम। और बिलियन के आयतन की कुल इकाई क्या थी? लीटर। तो ग्राम प्रति लीटर हो गई इकाई किसकी? सांद्रता। और मोलरता दिखानी होती तो मोलरता में क्या बोलते हैं, उसकी इकाई हो जाएगी 1 मोल प्रति लीटर, ठीक है, इस तरह से बता सकते हैं हम, 1 मोल प्रति लीटर। समझ गए होंगे आप। अब एसी को वो कह देता है यार कि 120 ग्राम NaOH जो है मैंने प्रति लीटर में लेकर रखा है, अब बात बताओ आप कितने मोलर सॉल्यूशन होगा, वो कितने मोलर बिलियन होगा। इस चीज को बताने के लिए आप इसको नोट कर लें, मैं आपको और बता देता हूं इसको बताने के लिए, ध्यान से सुनो। जैसे यहां पर मैं मोलरता की परिभाषा लिख रहा हूं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि सांद्रता में और मोलरता में फर्क कितना किया था हमने, किसी बिलियन के प्रति लीटर में उपस्थित
पदार्थ के मोलों की संख्या। ये पदार्थ वो स्पेसली कौन है यहाँ पर, विलेय, विलेय पदार्थ है, गुला हुआ, ठीक है, के मोलों की संख्या। मात्रा की जगह मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बात ध्यान देनी है, मात्रा की जगह क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, मोल। तो पदार्थ के मोलों की संख्या, ये क्या कहलाती है, किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित पदार्थ की मोलों की संख्या की मोलरता है। बस अंतर क्या है, पदार्थ की मात्रा की जगह मोलों की संख्या की बात करते हैं। तो पदार्थ के मोलों की संख्या को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, मोल में, ठीक है, और प्रति लीटर में आयतन हो गया, तो इकाई क्या हो गई, मोल प्रति लीटर, यही हमने बात की है यहाँ पर, मोल प्रति लीटर। सॉरी, अब बात करें कि किसी चीज को ये मोल में कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, किसी सांद्रता को हम मोल में कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो कोई भी सोल्यूशन दिया है और उसे मोलरता में बताना है हमको, ठीक है, कि उसकी मोलरता क्या होगी। जनरली मोलरता को हम स्क्रीन प्रदर्शित कर देते हैं कैपिटल एम से। मोलरता को किससे प्रदर्शित कर देते हैं, कैपिटल एम से। तो जो हम इकाई लिख रहे हैं मोल प्रति लीटर, ये मोलरता, देखो यहां से समझो, मोलारिटी, और इसकी इकाई हमने क्या लिखी है, मोल्स प्रति लीटर, ठीक है, ये इकाई लिखेंगे। क्योंकि यहां पर क्या लिखेंगे, जैसे विलेय पदार्थ की मात्रा या विलेय के मूलों की संख्या, अपॉन विलयन का आयतन, और ये आयतन किसमें है, लीटर में, इसका आयतन किसमें है, लीटर में। तो विलयन के मोलों की संख्या और विलयन का आयतन, आयतन विलयन का किसमें दिया हुआ है, लीटर में दिया गया, राइट। तो हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं, विलेय के मोलों की संख्या, विलयन का आयतन लीटर में है, तो इसको इकाई कैसे आ जाएगी भैया, मोल प्रति लीटर, राइट, ये इकाई आ गई। इस मोल प्रति लीटर को हम केवल स्टेन कर सकते हैं कैपिटल एम से, ठीक है। जैसे मोल प्रति लीटर में कैसे आई, जैसे हमने सबसे पहले एक प्रश्न लिया, ये मैं हटा देता हूं, ध्यान से सुनो, सबसे पहले देखिएगा यहां पर हमने जो बात किया मोल प्रति लीटर को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, तो हमने कहा 40 ग्राम NaOH को पानी में घोलकर एक लीटर विलयन बनाया गया, ठीक है, 40 ग्राम NaOH को पानी में घोलकर एक लीटर विलयन बनाया, इसकी मोलरता ज्ञात कर। तो बहुत सिंपल है कि हमें इसका मोल पता होना चाहिए। तो 40 ग्राम का क्या मतलब है, एक मोल, 40 ग्राम का क्या मतलब है, विलयन के मोलों की संख्या कितनी आ गई, 40 ग्राम भार का क्या मतलब है, एक मोल, और कहां मौजूद है, एक लीटर में। तो आंसर क्या आ गया, वह एक मोल प्रति, ये आ गई ना मोलरता आसानी के साथ आ गई। गेट लगाते, एक मोल प्रति लीटर, ठीक है, ये क्या हो गया, 1 मोल पर लीटर। अब इसको हम बात करें
तो हम इसको क्या बोल सकते हैं जी, इससे स्टेन कर सकते हैं, हम कह सकते हैं एक मोल वन मोलर, एम से भी रिप्रेजेंट कर, मोल प्रति लीटर को हम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बात याद, ठीक है। एक मोल से भी, जैसे हमने कहा इसकी सांद्रता आ गई एक मोल प्रति लीटर, मोलरता आ गई एक मोल प्रति लीटर, और सांद्रता कैसे कहते हैं आप 40 ग्राम प्रति लीटर, और मोलरता कैसे कह दिया आपने एक मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो ये तो होगी मोलारिटी की बात, इसको 1 m भी लिख सकते हैं, 1 m का मतलब है यहाँ एक मोलर, एक मोलर का मतलब एक मोल प्रति लीटर में है, और 2 मोलर कहता है तो इसका मतलब 2 मोल प्रति लीटर में है, और 3 मोल कहता है तो इसका मतलब 3 मोल प्रति लीटर में है। तो सिंपल सा फंडा है कि अगर यहाँ मैं 140 की जगह 120 ग्राम कह देता, 120 ग्राम NaOH को लेकर, अब 120 ग्राम में आपको पता है कि 40 ग्राम में कितना मोल होता है, एक मोल होता है, तो 120 ग्राम में कितने मोल हो गए इसके, 3 मोल हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये सांद्रता कैसे आ जाती, 3 मोल प्रति लीटर, 3 मोल प्रति लीटर में है, एक मोल की जगह हम 3 मोल, और इसको हम क्या कह देते हैं ब्लेंड कैसा हो गया है 3 मोलर। अब कौन सा ब्लेंड ज्यादा सांद्र होता, सिंपल सी बात है 3 मोलर जो है वो ज्यादा सांद्र होगा और 1 मोलर जो है कम सांद्र, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर 120 की जगह ध्यान से समझिएगा, कहता है 80 ग्राम NaOH को पानी में घोलकर 0.5 लीटर ब्लेंड बनाया गया, ठीक है, कितना बना दिया है 0.5 लीटर 80 ग्राम को लेकर। तो आपको ये पता होना चाहिए ये कितने मोल है, ये है 2 मोल, और कहां बनाया 0.5 में, ठीक है। हमें किस में बताना है, प्रति लीटर में बताना है, प्रति लीटर में बताना है हमको, समझ में आ रहा है। तो हमको कहां बताना है, प्रति लीटर में बताना है, तो कैसे बता देंगे, अब इसको कट कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पर आपको ये क्या हो गया, 2 मोल 0.5 लीटर में आ गया, तो 0.5 लीटर का मतलब है यहां पर आधा लीटर में आपका कितना है 2 मोल है, तो 1 लीटर में कितने हो जाएंगे, खुद ही अज्यूम कर सकते हो, क्या 1 लीटर में कितने मोल हो जाएंगे, 4 मोल हो जाएंगे, समझ में आया। तो इस तरह का मोलर सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, 4 मोलर ब्लेंड हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं, 4 मोलर ब्लेंड बना, और 4 मोलर को आप ये बात याद रखेंगे 4 m भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज को हम क्या करेंगे, जैसे 3 m लिख देंगे, 3 मोलर आया है, और 3 मोलर लिखें, 3 m लिखें, या 3 मोल प्रति लीटर लिखें, बात एक, ठीक है, एक ही बात है तुम्हें। अब हमको बात करनी है कि ये मोलरता और मोलरता में भिन्नता क्या, स्पेशली हम जानना चाहते हैं कि क्या डिफरेंस है मोलरता और मोलरता में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये मेरी मोलरता लिखी हुई है, तो मैं इसी को आपको और बदलता हूं कि क्या डिफरेंस होगा, परिभाषा से देखिए फिर मैं आपको उसको एक्सपेरिमेंटली बता। ये तो है मोलरता, इंग्लिश में कहते हैं मोलारिटी, और अगला हम बात कर रहे हैं मोललता की, और मोललता को कहते हैं मोलालिटी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मोलालिटी बतानी, तो हम कैसे मोलालिटी बता पाएंगे वो समझिए।
तो सबसे पहले तो परिभाषा को देख लीजिए, मैं परिभाषा से आपको ज्यादा क्लियर कर दूं। किसी बिलियन की जगह हमको वर्ड यूज करना है बिलायक। किसी बिलायक के प्रति किलोग्राम केजी में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, उपस्थित ध्यान से सुनेंगे, किसी बिलायक के प्रति केजी में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या पदार्थ के मोलों की संख्या, ऐसे कह सकते हैं विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। बस सिंपल सा ये है कि यहां पर हमसे क्या कह दिया गया, विलायक की बात कर दो। अब जैसे आप जानते तो ही सॉल्यूशन हमने बनाया, तो बड़ा कंफ्यूजन लोगों को ये रहता है कि हम कैसे बताएं कि इसमें ये विलायक की बात कर ली हो। आप सबको मालूम है कि यहां पर हमने अगर पानी भरा है तो वो विलायक है, उसमें अगर नमक डाला है तो नमक और पानी का विलयन बना है, ठोस और द्रव का विलयन बना है, ठीक है। नमक को पानी में घोलकर विलयन बनाया है, तो नमक को जब पानी में घोलकर विलयन बनाएंगे तो इसका मतलब हमने कैसा विलयन बनाया है, ठोस को द्रव में घोलकर द्रव विलयन बनाया। तो हम क्या कहते थे, 50 ग्राम नमक प्रति लीटर में उपस्थित है विलयन में। ये विलयन के आयतन की चर्चा यहां करते थे, विलयन का आयतन। तो स्पेशली जो चर्चा हमारी होती थी वो किसकी होती थी, विलयन के आयतन, यहाँ पर टोटल विलयन का। हम बात ही नहीं करते थे कि पानी कितना मिलाया, दैट इज हम क्या करते थे, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण ही नहीं था पानी की मात्रा यानी विलायक की मात्रा का कोई लेना देना नहीं। आप सबको मालूम है पानी यहाँ ज्यादा है और ये कम है, 1 लीटर विलयन बना लिया अगर मान 50 ग्राम नमक को, तो पानी ज्यादा है तो वो कौन है यहाँ, विलायक है, और ये नमक कौन है, विलेय पदार्थ। इसका मतलब हमको ये मालूम है कि हमने विलेय पदार्थ को लेकर कहां विलायक में मिलाया था और टोटल वॉल्यूम की यानी विलयन की कुल आयतन की चर्चा की। तो यही कहा था कि किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित पदार्थ की मोलों की संख्या, किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित पदार्थ की मोलों की संख्या, इसके बारे में बात। अब यहां पर क्या कह रहा है, किसी विलायक के प्रति किलोग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या, यानी यहां भी विलायक, यहां विलायक का नाम ले रहे हैं, विलयन के आयतन का कोई महत्व नहीं, देखो कहीं चर्चा ही नहीं है कि विलयन के प्रति लीटर में, विलयन के प्रति लीटर आयतन में यहां कोई बात नहीं की गई, यहां बात की गई है विलायक की बात। अब इसी को आप समझ लीजिए, दोनों में क्या डिफरेंस है इस बात को समझिए। तो अगर इसको हमें इसकी इकाई बोलनी होती यूनिट, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कैपिटल एम से, तो यहां पर हमने क्या कहा था, मोल्स प्रति लीटर, ठीक है दोस्त। यहां विलायक के भार की चर्चा की है, देखो किलोग्राम जहां शब्द लिया गया है तो किलोग्राम का मतलब है यहां विलायक के भार की चर्चा की, और विलयन के आयतन की कोई बात ही नहीं की हमने। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोलों की संख्या तो हो गई मोल, तो मोल तो देख रहे हैं हम, कहां देख रहे हैं ये हमें देखना है। यहां हम मोल देख रहे थे प्रति लीटर में, और यहां हम देख रहे हैं मोल प्रति केजी सॉल्वेंट में यानी विलायक में, प्रति केजी विलायक में। तो विलायक क्या हो गया, भार हो गया, विलायक का क्या लिया है हमने, भार लिया है, तो मोल्स पर लीटर ले रहे थे, यहां कहेंगे मोल्स प्रति केजी। अब दोनों को डिफरेंस कैसे करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा ये विलयन ज्यादा सांद्र है या ये विलयन ज्यादा सांद्र, कौन सा विलयन ज्यादा सांद्र है, कैसे पता चलेगा, कैसे मोलारिटी और इसमें आप अंतर कर पाओगे,
मैंने आपको कहा था इसको आप कैपिटल एम से भी लिख सकते हो या मोलर कह सकते हो उस ब्लेंड को। इसको क्या कह सकते हैं, स्मॉल एम, स्मॉल एम को मोलल, इतना अंतर। इसको क्या कह रहे थे, मोलर, और इसको कह रहे हैं मोलर, ठीक है। अब दोनों को क्या अंतर रहेगा मोलरता और मोललता, वो बात समझ लीजिए। मोल आप जान ही गए कि मोल क्या होता है, तो मोल प्रति केजी विलायक में बात करेंगे, मोल प्रति केजी विलायक में बात करेंगे तो ये कौन हो गई, मोललता। और मोल प्रति लीटर विलयन में बात करेंगे तो ये कौन हो गई, मोलरता। समझ गए, तो एक हो गई मोललता और दूसरी हो गई मोलरता, एक मोलरता और दूसरी मोलरता। अब इन दोनों में अंतर कैसे करेंगे कि किस तरह से ये दोनों को हम डिफरेंशिएट कर पाए, लेट अस एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये मेरे पास NaOH है, मान ली सपोज दैट कोई पदार्थ है, क्योंकि यहां पर तो हम इसको कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। और इसके ये 7 मोल मेरे पास, ठीक है, या 7 की जगह 8 मोल, ठीक है, 8 मोल मेरे पास है। तो अगर मुझे मोलरता का विलयन बनाना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस 8 मोल को इसमें डाल देना है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये 8 मोल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 मोल मैंने इसके अंदर डाल, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, 1 लीटर पूरा वॉल्यूम मेकअप कर, अभी सपोज कीजिए हम 1 लीटर की बात करें, या आप हाफ लीटर की भी बात कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं 500 ml बना रहा हूँ, तो 500 ml के लिए मार्किंग है, और मैं उस मार्किंग तक किसको फिल कर, ये हो गया 500 ml सॉल्यूशन, यानी 8 मोल प्रति 500 ml में है, तो 16 मोल प्रति लीटर का सॉल्यूशन है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, 16 मोल प्रति लीटर का सॉल्यूशन है, ये आप समझ लीजिए। अब यही अगर मुझे सबसे पहले बात करनी होती, किसकी, मोललता की बात करनी होती, तो मोललता के केस में मैं क्या करता, सबसे पहले सुनिए, मोललता में विलायक का भार इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है, विलायक का भार, और मोललता में क्या इंपॉर्टेंट है, विलयनता। यहां के भार की कोई जरूरत नहीं, हमने भी नहीं लिया, देखो हमने पदार्थ लिया, विलेय पदार्थ, उसको डाल दिया, और विलयन की कुल आयतन की बात की, 1 लीटर है, यानी मोल प्रति लीटर की बात। अब आप यहां देखिए, यहां हमें विलयन के कुल आयतन से कोई मतलब नहीं है कि कितना जाएगा, हमें विलायक का भार पहले से पता होना चाहिए, वो कितना है, 1 kg, तो मैं यहां 1 kg यानी 1 लीटर पानी ले, अगर हम 500 में बना रहे हैं तो 500 ले लेते हैं, जस्ट डबल कर, अब ये देखो ये मार्किंग आपको यहां दिखेगी, ओके सर थोड़ा जल्दी से, ये जो मार्किंग है यहाँ आपको दिख रही होगी, मैंने इसको केयरफुली मार्किंग तक भर, ठीक है, ये मार्किंग कर लिया। अब आपको ये मार्किंग तक हो, अब इसमें ये 1 kg ब्लायक की चर्चा हो गई। अभी देखो यहाँ पर ना तो विलयन नहीं है, है विलयन नहीं, और विलेय पदार्थ इसमें मिला है, नहीं मिला है, तो यहां कौन है, केवल विलायक, सपोज दैट 1 kg, ये 1/2 kg हो गया, इसका जस्ट डबल कर लेंगे, तो 1 kg ये विलायक, ठीक है। अब इसमें मुझे वो जो मोल हम 8 ऐड किए थे, अब ऐड करेंगे, देखो क्या फर्क पड़ता है, 8 मोल ऐड करने से क्या फर्क पड़ेगा,
अब ये बिलियन दोनों बन गए, ये भी बिलियन हो गया और ये भी बिलियन हो गया, राइट, दोनों बिलियन बन गए। लेकिन दोनों बिलियनों में अंतर क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए एक लीटर का बिलियन था और ये भी एक लीटर का, ये लीटर की तो बात ही नहीं करेंगे, एक लीटर बनाया, एक लीटर बनाया था, और यहाँ एक लीटर ब्लैक पहले से एक केजी ब्लैक लिया हुआ है और फिर उसमें डाला है, तो यहाँ एक केजी ब्लैक जो हुआ है वो बिले प्लस ब्लैक हुआ है दोनों, तब जाके एक लीटर बिलियन बना है। सॉरी दोबारा सुन ले, यहां पर हमने क्या किया है, बिले और ब्लैक दोनों को ऐड करके एक लीटर वॉल्यूम बनाया है, एक लीटर आयतन बिलियन बनाया, ठीक है। और यहां पर पहले से एक लीटर मतलब एक केजी ब्लैक लिया था और उसमें बिले फिर ऐड किया, तो इसका मतलब ये हुआ ये एक लीटर से ज्यादा है, राइट, तो ये एक लीटर से ज्यादा है ये बात थी, लेकिन मोल कितने हैं, बराबर है। तो यहां पर अगर हम इसको बोले, अगर एक लीटर में बोले कि 8 मोल डालें एक लीटर में मान लो, तो इसकी मोलारिटी हो जाएगी 1 मोल्स पर केजी। अगर ये केजी का है, ये हाफ का है तो 16 कर देना, और इसकी हो जाएगी 8 मोल्स पर लीटर। अब हमसे बात ये है कि कौन सा बिलियन तनु था और कौन सा सांद्र, कैसे जानूंगा, मोलरता के थ्रू कैसे बनता है ये आपको पता चल गया होगा, और मोललता के थ्रू कैसे बनता है ये आपको पता चल गया होगा। दोनों तरह के बिलियन आपने बना लिए, ये बिलियन जो मेरे पास पड़ा है वो मोलल बिलियन है और ये जो मेरे पास है वो मोलर बिलियन, एक जो है मोलर है और दूसरा जो है मोलल बिलियन। दोनों में जो खास अंतर दिख रहा है वो यहां पर हम क्या कह रहे हैं, 8 मोल्स पर केजी, यानी 8 मोल प्रति केजी ब्लैक में उपस्थित, और यहां कह रहे हैं 8 मोल प्रति लीटर बिलियन के आयतन में उपस्थित है, राइट, या प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित। तो दोनों में एक खास बात है कि 8 मोल जब इसमें रखे तो आयतन जो है बिलियन का वो बढ़ गया था, पर बिलियन का आयतन कितना है इसका इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज, ये बात समझ लीजिए, जब आपने इसमें मोल डाले तो बिलियन का आयतन आपने देखा था थोड़ा सा, ये देखो ये राइज हुआ तो बिलियन का आयतन बढ़ गया। अब 8 मोल इसमें भी है, 8 मोल इसमें, लेकिन इसमें आयतन ज्यादा है, हालांकि मोललता की जब बात करेंगे तब आयतन की बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको तनु और सांद्र पता चल जाए कि किससे ज्यादा, किसका बिलियन तनु होता है किसका बिलियन सांद्र होता है, ये बताने के लिए मैं आपको ये बात और बता रहा हूं। ये तो आपको क्लियर डिस्टिंक्ट हो गया कि ये मोलर, ये मोलरता के थ्रू बनाया गया है और ये मोललता के, ठीक है, कैपिटल एम स्मॉल एम। लेकिन इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, तनु कौन सा है सांद्र कौन सा है, तो आपको समझना है ये यहां पर ज्यादा राइज कर गया, इसका मतलब ये ज्यादा पानी में, ज्यादा पानी में 8 मोल पड़े और ये कम पानी में 8 मोल पड़े, इसकी तुलना, तो ये कम ये ज्यादा पानी में पड़े हैं 8 मोल, इसका मतलब एक लीटर से ज्यादा बिलियन है ना, तो एक लीटर से ज्यादा है तो ये कैसा है, 8 मोल जो है एक लीटर से ज्यादा में पड़े हैं तो ये कैसा है, थोड़ा तनु, और ये 8 मोल एक लीटर में पड़े हैं तो ये इसकी तुलना में, दोनों में थोड़ा सा अंतर है बस माइनर सा, लेकिन इसकी तुलना में ये सांद्र बिलियन। तो हमेशा याद रखो मोलरता से जो बनेगा वो सांद्र बिलियन होगा, इसकी तुलना में मोललता से बनेगा, समझ रहे हैं। तो ये था डिफरेंस मोलरता और मोललता, एक को ब्लायक में बात करते हैं और दूसरे को बिलियन के आयतन। अब क्या फर्क पड़ता है मोलरता और मोलरता पर ताप, ये बात भी हम इंपॉर्टेंट थी, एक तो ये इसमें डिफरेंस की बात करें तो एक डेफिनेशन हो जाता है, दूसरा यूनिट हो जाता है, इसकी यूनिट मोल प्रति लीटर है और इसकी यूनिट मोल प्रति केजी, दो डिफरेंस तो ये हो जाता है। इसके बाद और क्या डिफरेंस है, तो इसमें आप कह सकते हो इसमें विलायक का द्रव्यमान यानी विलायक का भार इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, और बिलियन के आयतन का
1 लीटर हो या ना हो इससे कोई लेना देना नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि बिलयन का आयतन, ठीक है, तो बिलयन के आयतन का कोई महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हम स्पेशली किसको कंसिडर करते हैं, विलायक के भार। और यहाँ पर बिलयन का आयतन महत्वपूर्ण है, विलायक का भार क्या कितना है इससे कोई लेना देना नहीं, समझ गए। यहाँ बिलयन का आयतन महत्वपूर्ण है और विलायक के भार से कोई लेना देना नहीं है। अब हम बात करते हैं, जैसे बोलते हैं ध्यान से सुनो, अगर हम बात करते हैं अगर हमने ये बात किया होता कि इनके इन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तो ये पूरा बीकर है और मैं इसको ढक देता हूं, अभी ये मान लीजिए मैंने, और इसको हम गर्म कर रहे हैं, इसमें जो भरा हुआ है मेजरिंग सिलेंडर है इस समय, लेकिन मान लो सपोज दैट, ठीक है, तो उसमें हम गर्म कर रहे हैं और गर्म करेंगे तो कितने मोल पड़े, 8, 8 के 10 मोल तो होंगे, 8 ही मोल रहेंगे, और गर्म करेंगे तो एक बात ध्यान रखना, अभी 1 लीटर 8 मोल गर्म करेंगे तो ये पूरे आयतन को कवर कर लेगा वाटर पेपर ऊपर, राइट, पूरे वॉल्यूम को, यानी जो वॉल्यूम खाली है वो वॉल्यूम भी पूरा कंसिडर होगा, राइट, पूरी जगह वाला। तो जैसे मान लीजिए अब 1 लीटर नहीं हुआ, 1.5 लीटर हो गया, यानी ताप बढ़ाने पर आयतन क्या हुआ, बढ़ा, क्योंकि पानी के अणु तो यहां तक टकरा रहे होंगे ना इसकी दीवार तक, तो ये 8 अणु कितने में हैं अभी, 1.5 लीटर में हो गए, 1.5 लीटर में, इसको आधा लीटर हम अगर मान लें अगर ऊपर वाले को, तो 8 मोल कितने में हो गए, 1.5 लीटर में 8 मोल, तो यहां पर 8 मोल अगर 1.5 में है, कब, ताप बढ़ाने पर, ध्यान से समझना, अभी कितने में थे, 1 में थे, अब कितने में पहुंच गए, 1.5 में पहुंच गए, तो आप जब इसको निकालेंगे तो आपको प्रति लीटर में बिलयन निकालना है, तो आप इसको कट करेंगे, ठीक है, तो करो 5 टाइम्स हो जाएगा और फिर 0 कर देंगे, और ये 3 टाइम्स ऐसे ही, 3 टाइम्स इतना करीब जो है मोल आ जाएगा, यानी प्रति लीटर में मोल कितने बचे बताइए, 1 लीटर हो गया ना पूरा आयतन बढ़ के, 1.5 लीटर सॉरी, अभी 1 लीटर में 8 मोल थे, अब 1.5 लीटर में कितने, 8 मोल, समझ में आ रहा है। चलिए अब इसको गर्म करते हैं, इसमें कितना पड़ा है, यहां ध्यान रखना 1 kg विलायक में 8 मोल पड़े, गर्म करते हैं, वॉल्यूम यहां तक आ गया होगा पूरा, हमें कोई मतलब नहीं, हमें प्रति केजी में बताना है, तो प्रति केजी में, अच्छा एक बात बताओ, ये पानी का भार यहाँ 1 किलो हमने लिया है, ठीक है, अब हम इसको गर्म करते हैं तो भार जो है पानी का बढ़ के 1.5 kg हो जाएगा या 1.25 kg हो जाएगा या उतना ही रहेगा, जब एज्यूम करिए, अब ये समझ लीजिए कुछ देर के लिए आप मेरी बात ना सुनकर खुद ही इसका आंसर दे दीजिए, पानी का भार बढ़ेगा, अब गर्म करने से पानी के भार पर क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पानी कितना लिया है, 1 kg रहे, पानी के आपने कितना लिया है, 1 kg लिया है, तो ये 1 kg रहेगा, इसके भार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट राइट, हाँ आयतन बढ़ गया होगा और हमें आयतन से कोई लेना देना, तो इसकी मोलरता की वैल्यू क्या आएगी बताइए, भार तो पानी का वही है, 8 मोल है कहाँ, पर केजी में, तो ये पर केजी आएगी, यानी ये सोल्यूशन बना आपका, इसको मैं क्या लिख सकता था, 8 मोलर, और ये सोल्यूशन जो बना आपका इसको क्या लिखूंगा, 5.33 मोलर। अब देखिए दोनों बिलियनों में अंतर है, दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, यानी ताप बदलने पर, ताप बदलने पर मोलरता बदल जाए,
और ताप बदलने से मोललता नहीं बदलेगी, क्योंकि ताप बदलने से भार नहीं बदलता पर आयतन बदल जाता, और जहां आयतन की चर्चा है वो बदल जाएगी। यानी ताप बदलने से क्या क्या बदल रही है, मोललता बदल रही है, और मोललता पर कोई फर्क नहीं, क्योंकि प्रति केजी में तो अभी भी 8 मोल। समझ में आया, ये एक डिफरेंस है मोलरता और मोललता के बीच, जो आपको समझना है।